हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। हैप्पी दिवाली आप सभी को। दिवाली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और आपकी दिवाली बहुत अच्छी जाए। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को हैप्पी दिवाली। और यहाँ पे ना मैं आपके साथ दिवाली से एक रात पहले की वीडियो क्लिप शेयर कर रही हूँ। मनु रात को 12:15 बजे आए थे घर पे और पटाखे लेकर आए थे। अनाया को होता है कि बे दिवाली पे पटाखे हम ज़रूर चलाएं, और कोई बुराई भी नहीं है, हम शुरू से चलाते आए हैं, और दिवाली पे पटाखे ना चलें ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि बे दिवाली पटाखे वगैरह ये सब नहीं चलाने चाहिए, उससे पॉल्यूशन होता है, तो पटाखों से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। अपना फुल लॉन चलाओ पटाखे और दिवाली को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करो, मेरा तो यही मानना है। और अब आपसे मिलती हूँ सुबह दिवाली वाले दिन। और दिवाली वाले दिन ना जो हम अहोई माता को पूजते हैं और जो मटका रखा जाता है, तो इसको यहाँ से हटा के इसका पोचा लगाया जाता है इस पानी का, और बच्चों को इस पानी से नहलाया भी जाता है। तो बस अनाया को थोड़ा सा पानी दे दूँगी, वो अपना बकेट में डाल के उससे अपना नहा भी लेगी, और मैं थोड़ा सा पोचे में भी डाल दूँगी जिससे पूरे घर का पोचा लग जाए। और जहाँ जहाँ नहीं लग सकता मैं वहाँ पर इसको थोड़ा थोड़ा छिड़क भी देती हूँ, मतलब गंगा जल जैसे छिड़कते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो बस ये चौकी वगैरह यहाँ से सब कुछ हटा दूँगी, फिर नए सिरे से दिवाली की पूजा यहीं पर ही होगी। जिस जगह हम अहोई माता को बैठाते हैं ना, वहीं पर ही धनतेरस पूजा होती है, वहीं पर ही दिवाली की पूजा होती है। तो यहाँ से सब कुछ साफ़ वगैरह कर दूँगी, सारा सामान हटा के। और उसके बाद जब मैंने सब साफ़ कर दिया था, तो यहाँ पर अनाया ने अपना चौकी नए सिरे से फिर से बिछाई थी, और यहाँ पर हमने गंगा जल भी छिड़क दिया था। और अब नए कपड़े जो मैं लाई थी लाल बिछोने वाले, वो अब यहाँ पे बिछाएंगे। और पूजा की सारी मतलब जो भी तैयारी होती है, अभी छुटमुट सी डेकोरेशन जैसे करते हैं ना, बस मंदिर को मंदिर लगाना, उस तरीके से अभी करेंगे। तो नए फूल माला जो मैं लेकर आई थी ना, वो मैंने मंदिर ये दीवार पे तो लगा दिए हैं, और बस अब ये टिके रहे, बिल्कुल टेप इसकी हटे नहीं। वैसे तो मैं इसको हमेशा ना पहले अलमारी पे करती थी, अलमारी वाली साइड पे इसको लगाती थी, तो अच्छे से चिपके रहते थे, लेकिन अभी पता नहीं दीवार पे लगाए हैं। आई होप ये चिपके रहें, और भाई दूज तक चिपके रहें तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं भाई दूज तक कोई भी डेकोरेशन नहीं हटाती हूँ। और अब अनाया ये स्टेयर्स जो होती है ना मेन एंट्रेंस वाली जगह, वहाँ पर आई थी डेकोरेशन करने के लिए। और यहाँ पे मैं ना फटाफट से परांठी बना रही थी, तो ये दोपहर का टाइम है जब मतलब चूरमा की तैयारी कर रही थी। आलू गोभी बन गई थी, खीर बन गई थी, बस चूरमा बनाना बाकी था। तो चूरमा बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं परांठी बनाती हूँ, और 6-7 परांठी बना लेती हूँ, उसका चूरमा बन जाता है। और जो चूरमा होता है ना, उसमें से थोड़ा सा चूरमा लेके ना दो जगह दो दो चूरमा के जो बॉल्स होते हैं वो बना के प्लेट में रखे जाते हैं पेपर के ऊपर, और साथ में एक दिया, दिए के अंदर दो ज्योत बत्ती रखी जाती है, और देसी घी का दीपक मतलब वो जलता है, और घर के जो बेटे होते हैं बच्चे होते हैं उनकी नज़रें उतारी जाती है। तो वो नज़र उतार के फिर जो मेरे फादर इन लॉ है वो लेके जाते हैं। वो कहाँ पे लेके जाते हैं वो मैंने कभी सच बताऊँ तो पूछा ही नहीं है कि कहाँ पे जाके ये फिर जोत जलाई जाती है और कहाँ ये चूरमा का किया जाता है। वो फिर किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मैं अभी पूछना भी भूल गई थी। और बाकी अनाया अपनी यहाँ पर डेकोरेशन कर रही है, और मनु ने भी थोड़ी सी हेल्प कर दी थी अनाया की, और मनु ने जो रियल फूल होते हैं ना उसकी डेकोरेशन करी थी बहुत क्विकली। मैंने कहा ऐसे ही तुम हमेशा हर दिवाली पे फटाफट से हेल्प करा दिया करो, हमारी जल्दी हो जाती है डेकोरेशन, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सोचने में टाइम ज़्यादा लगता है कि कैसी चीज़ कहाँ पे सजाई जाए। तो जो जो मैं अनाया को बताई जा रही थी वो करती जा रही थी अनाया, और थोड़ी बहुत मनु ने भी हेल्प कर दी थी। तो दिवाली वाले दिन इतना काम होता है कि मैं वीडियो पर फोकस ही नहीं कर पा रही थी कि कौन सी क्लिप ले रही है अनाया कौन सी नहीं। मैं तो बस उसको बताया जा रही थी कि अनाया ये क्लिप ले लेना, ये वीडियो ले लेना, ऐसे बना देना, बीच बीच में बंद कर देना, उसको थोड़ा बहुत गाइड करती जा रही थी। और यहाँ पे चूरमा बन चुका है, तो जब परांठे गरम गरम होते हैं ना तो उसमें बूरा और देसी घी डाल के फिर चूरमा बनाया जाता है, तभी वो अच्छे से बनता है। और इतना गर्म लगता है ना उस टाइम, बहुत मुश्किल होता है चूरमा एकदम स्टार्टिंग में जब गर्म गर्म करना होता है, तोड़ना होता है। तो अब तो ये चूरमा रेडी हो चुका है, इसको मैं डाल दूंगी एक बाउल में। और उसके बाद ये देखो, ये मनु और अनाया ने सजावट की है। मैं तो इस टाइम तैयार हो रही थी, पूजा का टाइम भी होने वाला था, शाम के कुछ 6:30-7 हो रहे थे,
और हर साल दिवाली पे इसी तरीके से मनु पूजा करते हैं, और पहले नीचे वाले मंदिर में जब करते थे तब भी ऐसे ही करते थे मनु, और अभी भी ऐसे ही करते हैं, और मुझे हो जाता है कि चलो मनु का थोड़ा साथ मिल जाता है। एक ये दिवाली की तो पूजा है जिसमें मनु काबू में आते हैं और वो बैठते हैं हमारे साथ और प्रॉपर पूजा करवाते हैं, और हम साइड पर बैठ के सिर्फ जो भी जाप वगैरह करना, मंत्र वगैरह बोलना, वो सब हमको बोलना होता है। दिया दीपक सब कुछ मनु जलाते हैं। सारे चीज़ों को जितना भी ये सामान होता है प्रसाद वगैरह वो सब मैं रख देती हूँ, ताकि मनु को वो ज़्यादा ये सब कुछ ना करना पड़े, वो सिर्फ पूजा करवा दे हमसे, वो ज़्यादा बेटर है। तो बाकी जो भी पूजा की तैयारी होती है वो मैं करती हूँ, और बाकी जो ये दीप वगैरह दीपक वगैरह जो जलाते हैं, जोत जलाते हैं, वो सब मनु करते हैं अपने आप, और टीका लगाना। तो इस तरीके से हमारी पूजा होती है। पूजा तो बहुत छोटी सी करते हैं हम, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती हमारी, कुछ मंत्र बोलते हैं और आरती वगैरह, बस हमारी पूजा हो जाती है। तो बस अभी टीका कर रहे हैं, फिर उसके बाद पूजा स्टार्ट हो जाएगी। सिंदूर भी लगाओ ऊपर की तरफ। वो शुभ होता है ये लगाना? लगाया तो नहीं, कह रही छी इसको तो सब क्रिंज लगेगा। क्यों नहीं, ये तो अच्छी बात है, ठीक हो गया ये आपका जो बाल पे यूं बना रखा था। इसको क्या ये है, इसको अब मम्मी पसंद नहीं आते। हो गया हूं ऐसे लगाते हैं बेटे, और कोई तरीका थोड़ी होता है, बस ऐसे टच करना होता है। ये तो हमारा क्लीन का है, यही तो त्यौहार है जिस पापा पापा करते काबू में आते हैं। और कोई त्यौहार नहीं है इसमें, एटलीस्ट मेरे को ये हो जाता है कि चल पापा पूजा कर रहे हैं, मैं जरा बैठ जाती हूं। इतना मन करता है इसको ऐसे हो गया सब। एक मिनट, भोग लग गया पुराने चरणामृत, ये थोड़ा यहाँ पे डाल। वाओ चरणामृत तो बाद में प्रसाद के तौर पे दिया जाता है आरती के टाइम पे। और ये फूल माला बनानी नहीं थी या ऐसी रखनी है? सजावट के लिए रख ली, बनाने की कोई जरूरत नहीं। ये क्या है? क्या ये कमल का फूल? लोटस। लोटस हाँ, देखा नहीं ना तूने कभी वैसे रियल में? नहीं देखिए रियल है, खुलता तो कितना सुंदर लगता। अभी जब पूजा हो जाएगी ना तब दिखाऊंगी खोल के। अपने पूरे परिवार के सहित दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी देवी देवताओं की पूजा करता हूँ। हे लक्ष्मी माता, हे गणेश भगवान जी, हमारी पूजा को स्वीकार करना, ये भी हमसे पूजा में या किसी भी तरीके से कोई भी भूल चूक हमसे हो गई हो या हो जाए तो उसको क्षमा करना। जय हो सर्वोत्तम, जय हो लक्ष्मी गणेश भगवान की जय। ओम गणेशाय नमः। विघ्न हरण मंगल करण गण नायक गजराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूरन करना काज। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ, निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। दौ शांति रत्न शिक्ष, शांति पृथ्वी, शांति राका, शांति रोषदय, शांति वनस्पति, शांति विश्वे देवा, शांति ब्रह्म, शांति सर्व, शांति शांति रेव, शांति सामा, शांति रेधी। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणवद्धज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनुहरि। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणम्, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव।
ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धन प्रदाय नमो नमः, ओम विश्व जन्मय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। जय हो लक्ष्मी माता की, जय हो गणेश भगवान जी की, जय हो सारे देवी देवताओं की जय, जय हो लक्ष्मी माता की जय हो। पातक हरना ओम जय लक्ष्मी रमना, रतन जड़त सिंहासन अद्भुत चविराजे, स्वामी अद्भुत कविराजे। नारद कहत निरंजन, नारद कहत निरंजन घंटा धनु बाजे, ओम जय लक्ष्मी रमना। दियो स्वामी दिव्य को दर्श दियो, बूढ़ा ब्राह्मण बन के बूढ़ा अमण बन कर कंचन महल कियो, ओम जय लक्ष्मी रमणा। सात जिनी तो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी, ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय हो सारे देवी देवताओं की जय। पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अविलोकिये शरण गहे की लाज। पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अविलोकिये शरण गहे की लाज। पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अविलोकिये शरण गहे की लाज। ओ लक्ष्मी माता की जय। भोग लगाओ बेटा थोड़ा, उधर हो जाओ। अलग अलग कारण तो सबसे पहले भोग मैं भगवान जी को लगाऊंगी। तो ये रहा परांठी, आलू गोभी की सब्जी, खीर और चूरमा का भोग लगेगा। और यही हमारा शुरू से मैंने देखा है कि दिवाली पे यही सब कुछ बनता है, फिक्स हो रखा है कि यही बनना है। और मैं फिर नीचे भी आई थी, नीचे दिए वगैरह जलाए थे, तो मम्मी ने कहा था कि थोड़े से दिए पड़े हैं ये भी जला दे, तो फिर मैंने वो दिए जला दिए थे। तो मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, जिस वजह से मैंने सोचा कि भाई उनसे तो जलाए नहीं जाएंगे, तो मैं जला देती हूँ नीचे दिए। तो बस वो जला दिए थे, उसके बाद फिर मैं ऊपर चली गई थी। तो ये एक छोटा सा लुक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से मैंने दिवाली पे डेकोरेशन करी थी। यानी कि मतलब वैसे तो मैंने आधी डेकोरेशन तो धनतेरस पे ही कर दी थी, बाकी की मैंने ये दिवाली वाले दिन की। तो दो तीन दिन तक ऐसे ही चलती रहती है छुटमुट डेकोरेशन। और अनाया ने रंगोली बनाई थी, दोनों बहुत ही प्यारी रंगोली बनाई थी। और ये कुछ इस तरह का एक प्रॉपर लुक दिखा रही हूँ आपको डेकोरेशन का। और ड्राइंग रूम में सबसे ज़्यादा डेकोरेशन इसलिए हुई क्योंकि यहीं पर ही मंदिर है, यहीं पर ही हम दिवाली की पूजा भी करेंगे। और ये पूरा दिवाली की पूजा का सेटअप मैंने बिठाया है मंदिर का, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और कुछ इस तरीके से हमने लाइट्स लगाई हैं, ये लाइट्स पिछले साल की ही लगी हुई हैं, तो बस उनका तो स्विच ऑन करना था और कुछ नहीं। और बाकी ये छोटी सी डेकोरेशन है। तो कैसा लगा आपको मेरे को ज़रूर बताना। और ये मैंने बालकनी अपनी सजाई थी। और ये वॉल पे ना अनाया का वो DIY लगा हुआ है, वो उसका लुक लेना रह गया, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। और
कुछ इस तरह से मैंने कैंडल्स लगाई थी। फिर बाद में क्योंकि मनु और अनाया ने कैंडल्स नहीं लगाई थी, क्योंकि पूजा करने के बाद ना मैं एकदम से खाना बनाने लग जाती हूँ, क्योंकि नीचे का टाइम हो जाता है खाना बनाने का, मतलब नीचे देने का टाइम हो जाता है, तो मुझे फटाफट से खाना बनाना ही पड़ता है। और फिर बाकी ये जो भी दिया सजाना होता ना, ये सब फिर मनु करते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों का मुझे टाइम नहीं मिलता। और फिर जब मैं खाने से फ्री हो जाती हूँ, सब कुछ सब कामों से फ्री हो जाती हूँ, सबको खाना दे के फ्री होती हूँ ना, उसके बाद जाके जो थोड़े बहुत दिए कैंडल्स बचते हैं वो मैं चला लेती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने कैंडल्स लगाई थी, उसके बाद ऊपर छत पे आ गए थे कुछ पटाखे वगैरह चलाने के लिए। मैंने तो खैर कोई नहीं चलाया, सिर्फ फुलझड़ी चलाई थी, क्योंकि मुझे पटाखे चलाने का इतना शौक़ नहीं है जितना देखने का शौक़ है। फिर चाहे एक घंटे तक खड़े रहो बैठे रहो अच्छा लगता है, हाँ खड़े नहीं हो जाता अब क्योंकि इतना थकावट हो जाती है कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बचती कि ऊपर हम खड़े रहें इस तरीके से। तो कुछ इस तरह से हमने दिवाली सेलिब्रेट की थी, और आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, दिवाली व्लॉग अच्छा लगा होगा। और कुछ मैंने अपनी पिक्स ली थी यहाँ पे, बहुत मन कर रहा था, मैंने कहा इतनी डेकोरेशन करी है, इतने दिल से डेकोरेशन करी है, तो कुछ पिक्स तो बनती है ना हमारी। तो बस जो मैंने कुछ कुछ एरिया ऐसे नाया को बोले थे ना कि डेकोरेट कर देगी जहाँ पे हम अच्छी अच्छी पिक्स ले सकें, तो हमने पूरा ये सेल्फी एक पूरा वो दिया हुआ था बैकग्राउंड, बहुत ही अच्छा लग रहा था, और अपनी पिक्स मैं खुद ही लिए जा रही थी। फिर मैंने बीच में मनु को भी बोला था कि मेरी कुछ पिक्स ले लो जिससे मैं कैमरा को थोड़ा बता देख सकूँ कि कैसे सेट करना है। तो हमारी दिवाली तो बहुत अच्छे से गई, आई होप आप सबकी भी दिवाली बहुत अच्छे से गई होगी। और बस ये थी मेरी आज की वीडियो, थोड़ी सी बड़ी ज़रूर हो जाती है त्यौहार वाले टाइम पे, लेकिन प्लीज़ एडजस्ट करना इस चीज़ को। और आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज़। और ये दिवाली का व्लॉग मैं 2-3 दिन लेट डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे मायके साइड में ना कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, जिस वजह से मैंने व्लॉग थोड़ा सा लेट डाला है। सो अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, और जो भी मिस हैपनिंग हुई है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी।